हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे कंट्री के सफर में लेके जा रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ शानदार रेगिस्तान से भरा पड़ा है। यहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ की महिलाएं साल भर में मात्र एक बार नहाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के महाद्वीप के एक अनोखे देश नामीबिया की। और हाँ, आज का वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत ही अनोखा और अजीब देश है। अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका इसके पड़ोसी देश हैं। दुनिया भर के लोगों को आश्चर्य में डुबाने वाला नामीबिया रेगिस्तान भी यहीं पर मौजूद है, जहां पर समुद्र और रेगिस्तान आपस में मिलते हैं। शायद ही आपने ऐसा संगम कहीं और कंट्री में देखा होगा। नामीबिया की राजधानी विंडोक है। नामीबिया का कुल क्षेत्रफल 825,418 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें जनसंख्या की तो इसकी जनसंख्या करीब 25 लाख है। इस तरह ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाले देशों में शामिल है। ये बात जानकर आपको जरूर हैरानी होगी। नामीबिया के कुनेन प्रांत में रहने वाली हिम्मा जनजाति की महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही नहाती हैं, क्योंकि उनको पानी का इस्तेमाल करना मना है। इस जाति की महिलाएं नहाने की जगह पर एक खास तरह की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनकी बॉडी से बदबू ना आए और पूरा शरीर फ्रेश बना रहे। हिम्मा जनजाति की इन महिलाओं की त्वचा का रंग लाल होता है, क्योंकि वो हेमाटाइट नामक लोशन का इस्तेमाल करती हैं, जो कि आमतौर पर जानवर की चर्बी और हेमाटाइट की धूल से बना होता है। ये लोशन उनको कीड़े मकोड़े के काटने से भी बचाता है। नामीबिया में साल में 300 दिन धूप निकलती है। कह सकते हैं कि ये एक गर्म तापमान वाला देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीते की आबादी इसी देश में देखने को मिलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लगभग 3000 के करीब चीते मौजूद हैं। इस देश में दुनिया में मौजूद दो बहुत ही पुराने रेगिस्तान हैं। पहला है कालाहारी रेगिस्तान, जो कि 360,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे छठा बड़ा रेगिस्तान है। ये अफ्रीका का सहारा के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान का विशाल आकार इसे एक विविध और दिलचस्प परिदृश्य बनाता है, और यही स्थान यहाँ पे टूरिस्टों के लिए सबसे बेस्ट स्थान भी माना जाता है। और दूसरा है नामीब रेगिस्तान। नामीब रेगिस्तान के विषय में ये माना जाता है कि ये संसार का सबसे पुराना रेगिस्तान है। यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ की चट्टानों में विभिन्न रंग के शैवाल, पृथ्वी के बड़े जीव जैसे हाथी, शेर, जिराफ आदि सहित यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। इन्हीं तो रेगिस्तान के प्रसिद्ध होते हुए यहाँ पे टूरिस्ट भारी तादाद में देखे जा सकते हैं। नामीबिया के पश्चिम में मौजूद नामीब रेगिस्तान की सीमाएं अटलांटिक महासागर से मिलती हैं। नामीबिया में मौजूद अटोसा नेशनल पार्क में बहुत सारे वन्य जीवों की प्रजाति शामिल है, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंचे हाथी, विलुप्त प्रजाति के काले गेंडे और कई अन्य जीव शामिल हैं। इसके अलावा करीब 340 प्रजातियों के पक्षी यहां पर पाए जाते हैं। नामीबिया इतना खूबसूरत देश है कि इसके नज़ारे को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। नामीबिया में फिश रिवर कोयान पूरी दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी है। इसकी गहराई 1640 फीट और लंबाई 160 किलोमीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई 27 किलोमीटर है। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा है। नामीबिया की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि इस देश के केवल 10% लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। देश की ज्यादातर जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है। वैसे तो ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जंगली घोड़े होते हैं उनकी अच्छी खासी आबादी सिर्फ नामीब रेगिस्तान में ही अब पाई जाती है। अगर हमारे आसपास या हमारे रिलेटिव में किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई ज्यादा ही भारी बीमारी हो जाती है जैसे कि कैंसर, तो आप भी एक सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नामीबिया की करीब 14% वयस्क लोग HIV यानी कि एड्स से ग्रसित हैं। वैसे तो पूरा नामीबिया देश एक टूरिस्ट प्लेस है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ और प्लेस बता रही हूँ जो बेहद ही देखने लायक और
बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इनमें है सोसो वैली, कॉमन सॉप, घोस्ट टाउन, डेड विली, स्पिट्स कोप, नाम्बिक डिसर्ट, बिग डैडी ड्यून, चीता कंजर्वेशन फंड, फिश रिवर कैनियन, ड्यून 45A, इटोसा पान। ये कुछ बेहतरीन डेस्टिनेशन है जो कि टूरिस्ट के हिसाब से बेस्ट है। तो ये था आज का वीडियो नाम्बिया कंट्री से रिलेटिव। आपको इस अफ्रीका महाद्वीप में बसे इस देश के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में, किसी और ट्रेवल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।